है, बहुत ध्यान से देखिए आप, सुआ है ये, सुआ सुआ मेघा की रोज चप्पल टूट जाती है। मम्मी इसके लिए चैनल। और आपको गाड़ी के हॉर्न से पता चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, रावण को, रावण दहन देखने। और इसको कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय होना, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन रावण को वैसे नॉलेज बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए रावण को पूजा भी जाता है। और उसके बाद में क्योंकि उनकी जो गति थी वो यहाँ पुका रावण को कराए, जहाँ भी जा रहे हैं इनका ना रह जाए। ओ देख लो, बहुत तेज से बढ़ा। देखो देखो एक रावण से मन नहीं भर रहा हमारा देखने से। हाँ, और भी देखने जाने की सोच रहे, अगर ना फुका हो तो। अगर ना फुका हो क्योंकि टाइम बहुत हो गया हमें। हाँ। थोड़ा सो गए थे, सो के देर से उठे तो टाइम हो गया। अब रावण हमारी इंतजार थोड़ी करेगा। हाँ। हाँ। भाई हम सो के उठे तब मैं तब भी चलूं। हाँ, तब से। सही बात है, कब मैडम सो के उठेंगी और कब मुझे लगाओ भी ना लगाओ भी आगे। हाँ, बहुत लोगों ने हमारे उधर तीन चार रावण। हाँ, अच्छा बड़ा रावण था ये। लोग एक जगह का कवर कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह का कवर कर रहे हैं, और भाग रहे हैं तेजी से क्योंकि तीसरी जगह का कवर करना है। तीन चार तो देख के ही जाएंगे आज। हाँ, ये भी हो चुका है, बाकी सारे लोग वो हो चुका होगा, ये तो हो चुका है। की नारी, अरे हम तो जावे देखन सारी दुनिया चली। पांच रुपये दर्द बलमुआ मेला देखने जाऊंगी, पाचाने की बाओ जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी। अरे पाचाने की पाओ जलेबी खाऊंगी। अरे मेला देखन देख क्या है? अरे मेला देखन जाना करती भले घरों की नारी। नहीं पाचाने की पाव जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी। और पाचाने की पाव जलेबी बैठ सड़क पे खाऊंगी। आज तुम्हें जलेबी ले देता हूँ, तुम उकड़ बैठ के ना। अरे ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के सड़क पे खाना ही होगा। नहीं अब तो इधर मोड़ेंगे, इधर बोलो मुझे जलेबी नहीं। रावण वाली साइड ले, रावण वाली साइड तो कहीं निकाला था। तो बात ये है कि एक ही रावण का दहन हुआ है जो कि समझदार था, बुद्धिमान था। असली रावण बहुत घूम रहे हैं सब जगह, और जिनका जिनका भगवान जी जय श्री राम जी दहन करेंगे उनका, ऐसे पापियों का दहन करना चाहिए जो घूम रहे हैं अपना बिना बिना क्या कहते हैं, बिना डर के और गलत गलत काम कर रहे हैं, उनका दहन जरूर होना चाहिए। यस बिल्कुल। और ये श्री राम जी जरूर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली, तोड़ दे दुश्मन की नली। फिर मैंने और ईशा ने लिए मोमोज। आज काफी जनता बाहर थी दशहरे की वजह से, इसीलिए जो है ना मोमोज वाले भैया ने मोमोज थोड़ा कच्चे छोड़ दिए थे, क्योंकि मम्मी पापा जो है मोमोज नहीं खाते, इसलिए हमने फिर लिए दही वाले गोलगप्पे। तो जो हमारे मोमोज थे वो तो कच्चे थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता हम मम्मी पापा को अकेले खाने देते, इसलिए हमने उसमें से भी शेयर किया।
रश को देख के खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक गोलगप्पे की प्लेट मिलना ना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है भाई। फिर हम थोड़ा छोटी छोटी शॉपिंग के मूड में निकले और यहाँ पे हमने देखा दिवाली से पहले छोटी छोटी डेकोरेशन आइटम्स मिलने स्टार्ट हो जाती है, तो वही हम लेने के लिए रुक गए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा है, हाँ ले लिए, ले लिया डमरू वन, नहीं ये नहीं लिया, ये एलिफेंट है और उसके दो बच्चे हैं, दो एलिफेंट। चलिए घर चल के आपको दिखाते कि हमने क्या क्या खरीदा। मार्केट हो क्या के हम थक गए, पानी पिया है फ्रिज का आके, ठंडा पानी पीने की जरूरत थी। आपको तो पता ही हम क्या क्या खा के आए आज। तो फ्रेंड्स मैंने आज गोलगप्पे खाए, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरे गोलगप्पे ना, मैं 6 महीने से तो एक भी गोलगप्पा नहीं खा रही थी। और फिर आज तो भी दशहरा था ना, दशहरे पे तो सब खा रहे थे, कोई कच्ची टिक्की, कोई पक्की टिक्की, कोई कच्चा बर्गर, कोई वो कर रहा था, घिस रहा था मूली उसके ऊपर ही, कोई कुछ कर रहा था, क्या कहते हैं, डोसा बनवा रहा था, कोई कच्चा डोसा, और हमारे बच्चों ने भी कच्चे मोमोज खाए। मोमोज इतनी जल्दी वो दे रहा था कि वो बराबर कच्चे निकल गए, स्टीम ही नहीं हुआ, स्टीम नहीं हुआ प्रॉपर, तो वो ज्यादा कच्चे मोमोज खाने भी नहीं चाहिए, थोड़े से खाए फिर फेंक दिए। फिर उन्होंने मेरे साथ टिक्की गोलगप्पे खाए, बहुत बढ़िया टेस्टी होते हैं यहाँ के वहाँ। और फ्रेंड्स मैं रोज गोलगप्पे खाने वालों में से थी, जो कि मैंने पता नहीं 6 महीने से भी ज्यादा हो गए जब मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। 6 महीने पहले भी मतलब 2 या 1 गोलगप्पा खाया होगा उस, नहीं तो मैं बहुत गोलगप्पे की शौकीन थी, बहुत खाती थी, लेकिन अब सब चीज़ें बंद हो गई और अच्छी भी नहीं लग रही, मन भी नहीं कर रहा। आज भी मैंने ये सोच के खाए हैं कि त्यौहार है तो थोड़ा सा गोलगप्पे मेरे फेवरेट थे, कहाँ चले जाएंगे वो मुझे छोड़ के भैया। और तो फिर आज हम देखो छोटी छोटी चीज लाए, मेरे दांत सड़ रहे थे दोस्तों, ब्रश सड़ रहे थे, ब्रश लाए, दांत सड़ रहे थे। लल्लू के बापू से कई बार क्या, ब्रश लाओ ब्रश लाओ, उन्होंने ब्रश नहीं लाए, मैं 20 रुपीज का ब्रश लिया। छोटी छोटी शॉपिंग करी हमने, ये 10 रुपीज का मैं ये लेके आई हूँ, स्पून है, स्पून समझ लो क्या है वो भी, मतलब वुडन है, वुडन, हाँ वुडन है, देखो 10 रुपीज का ये लेके आई हूँ। छोटी छोटी शॉपिंग में जो मजा है ना वो बड़ी शॉपिंग में नहीं है। एक ये हिमालय का फेस वॉश लाई क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ये लेके आई मैं 10 रुपीज की कैंची, छोटी सी कैंची है ये 10 रुपीज की लेके आई। हरी मिर्च और, वगैरह काट लो, हाँ हरी मिर्च काट लो, नाक मत काटना किसी की। और ये कलर आप सोच सकते हैं कलर क्यों लेके आई हूँ मैं, 1, 2, 3 कलर लेके आई हूँ क्योंकि इसका कुछ क्रिएटिव बनाएंगे बच्चे और इसका बैलून के ऊपर बनाएंगे, बैलून होता है ना तो उसके ऊपर ये कलर वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे, आपको जब करेंगे तो बता देंगे, ठीक है, कुछ तो जरूर करेंगे, ऐसे नालायक बच्चे नहीं है मेरे। और ये लेके आई हूँ मैं फ्रेंड्स 2 कलर, ये गोल्डन है, ये भी लेके आई हूँ। छोटी छोटी शॉपिंग करने में जो मजा है ना हर दुकान पे रुकने में और उसमें, वो मजा ही और है। और वहां पे तो पी पी पॉ पॉ बहुत हो रहा था, मजा आ गया, रुक भी निकल गया मेरा। और ये है क्या है, ये नेल पेंट, अच्छा नेल पॉलिश लेके आए हैं भाई, ये ब्लैक कलर की नेल पेंट लेके आए, 20-20 रुपए की नेल पॉलिश, 20-20 रुपए की नेल पॉलिश ले ली हमने, क्योंकि ज्यादा यूज होती है, ये यूज होती है। इसके बाद में हम देखो ये लेके आए हैं जेली, जेली बहुत स्वाद लगती है हमें जेली, क्योंकि कोई स्वीट डिश नहीं अच्छी लगती फ्रेंड्स आजकल, और ये भी कभी कभी एक एक खाने के बाद खा लेते हैं तो अच्छी लगती है। और उसके बाद हम लेके आए हैं ये 100 की हम लिपस्टिक लेके आए हैं, 120 की लगा रहा था, 120 की लगा रहा था, हमने कहा 100 की देने, तो बार्गेनिंग बहुत करते हैं हम फ्रेंड्स, और होती नहीं है पर हमसे ढंग से होती नहीं बार्गेनिंग, हमें ही बना के चला जाता है वो। एक रबड़, और देखो और क्या कहलाई, ये हैं क्या थे, ये पील ऑफ मास्क,
हम ट्राई करेंगे। अच्छा ये मास्क है, इससे भूत बन जाते हैं। एक एक ईयर रिंग लेके आए हैं, रिंग ऐसे ऐसे गले में डालो। डेंगे इन चीजों का ना बहुत शौक है। और ये बन गया हमारा कौन सा थंबनेल। हिमालय का फेस वॉश, मुझे तो ये भी नहीं पता भैया, सीधे साधे साबुन से मुंह धो लेते हैं, लेकिन बच्चों को हिमालय का फेस वॉश चाहिए। हिमालय का बहुत सिंपल है, इतना टशन मार के दिखा दिया। ये आया है, ये हम लेके आए हैं हाथी का परिवार। फ्रेंड्स देखो ये दो हाथी हैं, एक तो लल्लू के बापू हैं, एक ये लल्लू की माँ है, ओह, और ये है लल्लू और ये है लल्लू की बहन। देखो ये चार चीज हो गई इस तरह से, दिख रही है आपको। आज आज रिवील हो गया कि लल्लू कौन है। ये लल्लू के बापू, ये लल्लू की मम्मी, ये लल्लू की बहन। ये लेके आए हैं हम, और ये लेके आए हैं 10 रुपीज का क्लचर। 20 का। तो ये हमारी सारी शॉपिंग 300-400 रुपए की आ गई है। और मेले आए, ये क्या लाया है हम सुहा। हाँ जी हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये आया, ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिए आप। सुहा ये सुहा सुहा मेघा की रोज चप्पल टूट जाती है। मम्मी इसके लिए नहीं था, सुहा काहे के लिए। ये सुआ है जो कि कोई क्रिएटिव कुछ करेंगे बच्चे। अच्छा ब्लैक हेड्स रिमूव कर। अच्छा ये भाई सुआ, ये सुआ साथ पता नहीं क्या ये है, इससे ना जैसे नाक पे ऐसे ब्लैक हेड्स होता हो जाते हैं ना। ओ ये ब्लैक हेड्स बहुत हो गए, पहले स्ट्रीम करके आया कि नहीं, ऐसे ही नहीं आएगा। अरे साबुन लगा के मुंह रगड़ती हूँ तो ऐसे ऐसी थोड़ी आ जाएगा। नाक में अंदर भी देना है क्या इसको? नहीं तो बात। अरे तो मैं क्या कह रही थी, अरे वो तो रह गया मेरा लेके। हाँ एक ही बार गेम लेके आए। लॉफ्टर अटैक हो गया। एक